हम लोगों ने जो पढ़ा था, परागण की क्रिया, परागण के प्रकार और परागण के साधन या माध्यम क्या होते हैं, उनके बारे में इन शॉर्ट हम लोगों ने पढ़ा था। तो अभी हम लोग जो पार्ट हमारा तीन की किताब का, उसके अंदर परागण की क्रिया के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, आपसे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो है परागण निरोधक। क्या होता है कि जो परागण है उसका एक वर्तिकाग्र के ऊपर क्या करना, पहुंचना, ये क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ठीक है, अब ये परागण जो है वो यहाँ पर पहुंच गया है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र। ठीक है, और ये है हमारा परागण। तो इस परागण और वर्तिकाग्र के बीच जो क्रिया होती है उसको हम कहेंगे पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। किसके बीच में होती है, परागण और वर्तिकाग्र के बीच होने वाली क्रिया को हम कहेंगे पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। अब ये जो क्रिया है वो कहाँ से कहाँ चलती है, पहले परागण से जो शुरू होती है, यानी परागण भी तो हुई, परागण कहाँ आता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है ना। तो परागण से शुरू होकर कहाँ पर खत्म होती है, निषेचन, यानी जो पराग नलिका बनकर जो अंड कोशिका है उससे मिल जाती, वहां तक की क्रिया तक है, जो है पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया जो है वो संपन्न होती है। राइट, उसके बाद देखो नेक्स्ट है इसके अंदर कि इसके चरण कौन कौन से। पहला चरण जो है वो वर्तिकाग्र द्वारा सभी परागकणों की पहचान करना, मतलब वर्तिकाग्र जो है वो पहचाने कि हाँ भाई गुलाब का है तो गुलाब का ही परागकण है, ऐसा नहीं कि पपीता का आ गया। राइट, तो इस तरीके से जो वर्तिकाग्र है वो सही परागकण की क्या करेगी, पहचान करेगी। फिर उसके बाद है पराग नलिका का अंकुरण, मतलब ये जो परागकण अगर सभी पहुंच गया है इस वर्तिका पर, तो यहाँ से ये पराग नलिका क्या करना शुरू करेगी, बनना शुरू करेगी। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे पराग नलिका का अंकुरण। और इसमें युग्मोद्गम निर्माण में हमने कुछ क्वेश्चन इसको पढ़ा है। फिर है पराग नलिका का बीजांड में क्या होना, प्रवेश होना। तीन तरीके होते हैं उसके माध्यम से क्या होती है, जो पराग नलिका है वो बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। बीजांड के अंदर प्रवेश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मादा जो अंड कोशिका है वो किस में पाई जाती है, भ्रूण कोष में, और भ्रूण कोष कहाँ पाया जाता है, बीजांड के अंदर, इसलिए। ठीक है, फिर इसका लास्ट स्टेज है पराग नलिका का भ्रूण कोष के अंदर प्रवेश, किस तरीके से होता है। तो ये सारी अवस्थाएं मिलकर एक टर्म में क्या कहलाती है, पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब आता है सबसे पहले वर्तिका के द्वारा सही परागकणों की क्या करना, पहचान करना। देखो परागकणों को अगर वर्तिका के आधार पर देखें तो हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, अपने नोट्स में मैंने लिखा भी है, एक तो संगत परागण और दूसरा असंगत परागकण। संगत क्या होते हैं और असंगत क्या होता है, संगत यानी जो सेम संगति का हो, यानी अगर मान लो गुलाब का वर्तिकाग्र है तो उसके ऊपर परागकण किसका आया, गुलाब का ही आया। आगे मैं समझ में, पपीता है तो किसका आया, पपीता का ही आया, तो वो उसके लिए उस वर्तिका के लिए परागकण कैसा हो गया, संगत। संगत क्या होता है, सेम संगत। ठीक है, तो वो संगत यानी सेम सेम, और असंगत यानी वो परागकण जो कि सेम कैटेगरी का नहीं है। सपोज करो पपीते के ऊपर किसका आ गया, सरसों का आ गया। आगे बात समझ में, तो दोनों एक दोनों की छातियां क्या हो गई, अलग अलग हो गई, हो गई कि नहीं हो गई, तो वंश भी अलग हो गया। इसीलिए इस तरीके के परागकण को क्या बोलेंगे, असंगत। मान लो सपोज करो ये जो वर्तिकाग्र है इसके ऊपर ये परागकण आया नलिका या पपीते का, और ये वर्तिका जो है वो किसकी है, सरसों की है। तो ये सेम इसको इसको वर्तिका जो है इसको पहचानेगी ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पराग नलिका निर्माण होगा या नहीं होगा तो क्या होगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। आगे का समझ में, तो ये परागकण दो तरीके के होते हैं, संगत और असंगत। आगे का समझ में, अगर संगत आया यानी सेम प्रजाति का आया क्या होगा, परागकण अगर संगत है तो क्या होगा, ये जो वर्तिका है
ये जो पराग कण है वो कुछ केमिकल क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, मतलब ये भी करेगी और ये भी करेगी। अब ये जो केमिकल है, ये जो रसायन है, इनके बीच में की और लॉक सिस्टम बनता है। क्या बनता है? की और लॉक सिस्टम, यानी परागकण जो है जिससे एक ताला जो होता है वो उसी की चाबी से खुलता है। सेम वही प्रकार है कि सपोज करो ये परागकण आया पपीते का, तो ये जो वर्तिका है वो भी किसकी है? पपीते की। तो क्या होगा, ये भी वर्तिका भी कुछ रसायन रिलीज करेगी, परागकण भी कुछ रिलीज करेगी, ये दोनों मैच कर जाएंगे। तो ये दोनों अगर मिल जाएगी तो क्या बन जाएगी? परागनलिका। लेकिन अगर ये मैच नहीं करेगी तो परागनलिका का निर्माण नहीं होगा, निषेचन की क्रिया। परागनलिका नहीं बन रही तो निषेचन की क्रिया भी नहीं होगी। निषेचन आपको मालूम है किसको कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना या संलयन होना। तो जो परागकण है उसके पास है ना नर केंद्रक, तो वो अंड कोशिका तक पहुंचेगा ही नहीं। अब उसको वहां तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता है? परागनलिका। तो परागनलिका जो बन ही नहीं गई तो पहुंचेगा कैसे? जो नर केंद्रक है वो पहुंचेगा नहीं तो क्या नहीं होगा? इसका निर्माण नहीं होगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगी, परागनलिका नहीं बनेगी। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखना ये जो रसायन है उनमें क्या पाया जाता है? की और लॉक सिस्टम पाया जाता है। की और लॉक सिस्टम अगर सक्सेस होता है तभी परागनलिका क्या होती है? बनती है। आगे बात समझ में, अगर इसमें एग्जाम्पल से समझने वाली हूँ मैं, कि जैसे कि सपोज करो ये वर्तिका है, ठीक है, ये परागकण द्वारा स्थापित किया गया रसायन है। ये रसायन को मैंने नाम दे दिया सपोज S1, ठीक है, और ये वर्तिका के अंदर जो बनने वाला रसायन है S1 हमेशा एड होता है S3 से, और S2 हमेशा एड होता है S4 से। अगर ये एड होते हैं आपस में तभी क्या बनेगी? परागनलिका। अब बनेगी जब S1 रसायन किससे होता है? S3 से, और S2 किससे होता है? S4 से। आगे बात समझो, तो ये S1 है और यहाँ पे इसके पास रसायन है S3, तो परागनलिका क्या हो जाएगी? बन जाएगी। अब यहाँ पर मान लो ये S2 है और इसके पास क्या है? S4, तो क्या हो जाएगा? ये अगर रसायन है तो परागनलिका है, दोनों ही सिचुएशन में क्या होगी? बनेगी। लेकिन यहाँ पे S1 के पास तो क्या है? S3 है। लेकिन इस S2 के पास क्या आ गया? सपोज करो यहाँ पर केमिकल क्या आ गया है? S1 आ गया है, तो परागनलिका नहीं बनेगी क्योंकि S2 किससे जुड़ता है? S4 से जुड़ता है। तो इस तरह से की और लॉक का सिस्टम होता है, जैसे सेम ताले से सेम चाबी खुलती है, उसी प्रकार से ये केमिकल्स जो है वो वर्तिका और परागकणों के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, तभी जाके जो पराग वर्तिकाग्र है वो हिस्सा क्या करेगा? उस परागकण को एक्सेप्ट करेगा, उसको अपना संगत मानेगा, संगत परागकण मानेगा, और आगे चलकर किसका निर्माण होगा? जो परागनलिका है उसका निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक जो टॉपिक आता है हमारे निकल कर आता है वो है असंगत या अनिषेचिता। ये क्या होता है? ठीक है, ये ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन और इसके जो प्रकार है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में 2 नंबर में। तो असंगतता या अनिषेचिता किसको कहते हैं? कार्यक्षम युग्मक, मतलब ऐसे युग्मक जो अगर मान लो नर युग्मक है उसको मादा युग्मक मिल जाएगा तो वो निषेचन करके भ्रूण क्या कर लेगा? विकसित कर लेगा। तो ऐसे युग्मक को हम क्या बोलेंगे? कार्यक्षम युग्मक बोलते हैं। ठीक है, तो कार्यक्षम युग्मकों के बीच निषेचन की विफलता को हम क्या कहेंगे? असंगतता या अनिषेचिता कहेंगे। आगे बात समझ में, कि युग्मकों में क्षमता है कि वो निषेचन कर पाए लेकिन फिर भी वो किसी कारणवश निषेचन नहीं कर पाते तो उसे असंगतता या अनिषेचिता कहते हैं। इसके कारण 2 होते हैं, कार्य के कारण या उपाधि। कार्य की जो तो होता है वो फिजियोलॉजिकल, जिसमें हमारी ये जो केमिकल रिएक्शन वगैरह चलती है इस तरीके की चीजें आ जाती है, और अपाकी मतलब संरचना की वजह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 पपीते पे सरसों का आया, दोनों की संरचना क्या हो गई? अलग हो गई। ठीक है, तो वो आपस में निषेचित नहीं होंगे। दूसरा है फिजियोलॉजिकल, मतलब कुछ रसायन है, अगर मान लो ये S1 रसायन था उसको S2 की जरूरत थी लेकिन इसको मिल क्या गया? S3, तो भी क्या होगा? परागनलिका नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास असंगतता हो गई। अब सपोज करो ये जो क्रियाएं होती है ये किसके नियंत्रण में होती है? जीव के नियंत्रण में।
खंड होता है। डीएनए खंड होता है जी, ठीक है। ये जीन जो है वो इस प्रोटीन निर्माण की क्रिया को या केमिकल्स के निर्माण को कंट्रोल करता है। और जीन क्या होता है, कभी भी सिंगल नहीं होता, कैसे होता है, जोड़े के रूप में होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, युग्मविकल्पी जीन कहते हैं। यानी वो जीन जो एक लक्षण के क्या करता है, दो रूपों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वो क्या कहलाता है, युग्मविकल्पी जीन कहलाता है। अगर बात समझ में, तो युग्मविकल्पी जीन के द्वारा इसकी कार्य की और आकार की संरचनाओं को कंट्रोल किया जाता है। इन जीनों में भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसी सिचुएशन आ जाती है, असंगतता या अनिश्चितता की सिचुएशन आ जाती है। अब देखो, असंगतता या अनिश्चितता का क्वेश्चन पूछा जाता है कि असंगतता या अनिश्चितता के प्रकार बताइए। तो इसका फर्स्ट टाइप जो है वो है अंतराजातीय और दूसरा है अंतरजातीय। अंतराजातीय जैसे कि फॉर एग्जांपल सरसों की जो प्रजाति होती है उसके अंदर दो जातियां है हमारे पास, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और दूसरा है ब्रेसिका रावा। पीछे का नाम किसको बताता है, जाति को, और आगे का किसको बताता है, वंश को। दैट मीन्स इनका वंश तो क्या है, सेम, लेकिन जाति क्या है, अलग अलग। तो अगर असंगतता हो जाती है ऐसे पात्रों में जिनका वंश तो क्या हो, सेम, लेकिन जातियां क्या हो, अलग अलग, तो हम उसको अंतराजातीय असंगतता कहेंगे। और अंतरजातीय मतलब अगर एक ही जाति है, जैसे कि सपोज करो सरसों को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस ही ले लेते हैं या ब्रेसिका हम रापा ही ले लेते हैं, है ना। तो ब्रेसिका रापा के जीन ही अंदर किसी वजह से असंगतता हो जाती है, यानी एक ही जाति के जो प्लांट्स हैं उनके बीच में क्या आ जाती है, अनिश्चितता हो जाती है, असंगतता हो जाती है। तो उसे हम अंतर जाति कहेंगे। अंतर मतलब उसी जाति में और अंतरा मतलब दो अलग अलग जातियों में अंतरा, ठीक है। तो निषेचन विफलता एक जाति के सदस्यों के बीच होती है तो अंतर जातीय स्व अनिश्चितता कहते हैं। और आपके जो अगर हम बुक की बात करते हैं तो स्व अनिश्चितता को कुछ ब्रीफली बताया गया है, इसके कुछ प्रकार बताए गए हैं और इनसे क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोगों को बताया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो